हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सरासर डिफरेंस दिखाने वाला हूँ डुप्लीकेट डिस्प्ले में और ओरिजिनल डिस्प्ले में। चाहे कितने ही सही कलर्स हो जाएं ओरिजिनल डिस्प्ले के मुकाबले में डुप्लीकेट के, गाइज फिर भी डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही रहती है, कोई ना कोई अपनी छाप छोड़ ही जाती है। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली 101% डिफरेंस दिखाऊंगा कि चाहे आपकी डिस्प्ले के कलर्स एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन आप कैसे पहचान सकते हो कि ये डुप्लीकेट डिस्प्ले है। सबसे पहले गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कंसिडर करना और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना। सबसे पहले गाइस, आईफोन यूज़र्स या फिर सेकेंड हैंड आईफोन बाय करते समय हमें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्या आईफोन के पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेस तो नहीं हो रखे, क्या आईफोन खुला तो नहीं है, क्या उसकी बैटरी या डिस्प्ले तो नहीं चेंज। सो ये सब जानकारी जो है मैं आपको इस चैनल पे बहुत देर से आता आ रहा हूँ, लेकिन कई कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि मैं आपको डिफरेंस नहीं दिखा पाता कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है, लेकिन इस बार मैं आपको कम्प्लीटली 101% श्योरिटी दिखाऊंगा। सो चलो गाइस, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि आपको अगर मैं ब्राइटनेस या फिर कलरिंग की बात करूं, सो आप डिफरेंस नहीं लगा सकते कि किस आईफोन की ब्राइटनेस ज़्यादा है, किस आईफोन की कम है। अगर मैं इन दोनों की ब्राइटनेस को फुल कर दूं, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों ही आईफोन XR हैं, दोनों की ही IPS पैनल है, एक है ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का, दोनों ही इंडियन मॉडल हैं। और आप देख सकते हो अब गाइस, दोनों ही आईफोन्स में जो है ट्रू टोन मोड जो है वर्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों ही फोन्स में ट्रू टोन मोड वर्किंग है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि एक आईफोन की डिस्प्ले येलोइश है और एक आईफोन की डिस्प्ले क्रीमी है, सॉरी एक आईफोन की डिस्प्ले ब्लूइश है और एक की क्रीमी है। सो ओरिजिनल कौन सी है और आपको कौन सी कैसे फ़र्क जानना है, ये चीज़ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हो, अगर मैं चलता हूँ अपनी अपने डायलर के सेक्शन में, अब आपको डिफरेंस तो मे बी फ़ोन यहाँ पर कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो मैं आपको डिफरेंस एक ऐसा डिफरेंस दिखाऊंगा जो कि आपको 101% यकीन दिला देगा। अब देखो, जो आईफोन्स की ओरिजिनल डिस्प्लेस रहती हैं वो हमेशा क्रीमी फिनिश देती हैं, क्रीमी टोन हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो आफ्टर मार्केट या डुप्लीकेट डिस्प्लेस रहती हैं वो हमें हमेशा ही फ्लॉप यानी ब्लूइश कलर देखने को मिलता है, उनका टिंटेड सी डिस्प्ले रहती है और कलर्स जो हैं वो ज़्यादा सैचुरेटेड होंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो इसका जो ग्रीन है वो इसके ग्रीन से ज़्यादा डार्क है, क्योंकि उन्होंने बेहतर डिस्प्ले बनाने की कोशिश में ज़्यादा कलर्स एक्यूरेट या फिर थोड़ी सी कलर्स की इंक्रीजमेंट कर दी है, थोड़ा सा कलर इन्हांस कर दी है। अब बात करते हैं कुछ सिंप्लीफाइड कलर्स की, जैसे कि लॉक स्क्रीन में येलो कलर मैंने अप्लाई कर रखा है। अब आप देख सकते हो ये जो है एप्पल का येलो है और ये जो है डुप्लीकेट येलो है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेजल्स जो हैं डुप्लीकेट डिस्प्ले में थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ एक स्पेशल और ख़ास डिफरेंस कि वो गाइस जो डिफरेंस है वो बिल्कुल आपको डुप्लीकेट और ओरिजिनल में फ़र्क पता चलवा देगा। सबसे पहली चीज़ आपको गाइस पता चलेगी नीचे वाले कॉर्नर्स में से। अब इस डिस्प्ले के बॉटम सेक्शन में इसकी जो चिन्ह है उसको ध्यान से देखो, उसके जो राउंड एजेस हैं उनको ध्यान से देखो। एप्पल की ये जो है वाइट कलर वाली ओरिजिनल पैनल है, और जैसे कि आप सिंपल देख सकते हो पूरा फुली राउंडेड फ़ोन की ये जो डिस्प्ले फुली राउंडेड है, आई मीन टू से दोनों ही तरफ से फुली कर्व्ड, बड़ा स्लीक और बड़ा शानदार कर्व देखने को मिल रहा है। और सेकेंडली गाइस, हम बात करें इस फ़ोन की, सो इस फ़ोन के जो कर्व्स हैं वो इतने राउंडेड, इतने स्लीक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं शार्प कट देखने को मिलता है। आई होप सो कि मैं आपको क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़, होल्ड ऑन, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले का कर्व आ रहा है, यहाँ पर सीधी हो रही है और यहाँ पर इन्होंने अलग कर्व दिया है, और फिर से यहाँ पर एक बैंड सा देखने को मिल रहा है हमें इस डिस्प्ले में। लेकिन इस फ़ोन में हमें जो ये जो है कोई भी बैंड देखने को नहीं मिल रहा, ये डिस्प्ले जैसे यहाँ से आ रही है पूरी स्मूथली राउंड होकर निकल रही है। ये गाइस जो है सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा। और सेकंड नंबर पर सबसे जो क्लियर डिफरेंस आपको ब्राइटनेस के या फिर टॉर्च के इस बटन पर देखने को मिलेगा। गाइस, जो ओरिजिनल पैनल होगा उसकी जो कह सकते हैं हम एक्यूरेसी, वो 101% होगी, हर बार आपकी जो है टॉर्च ऑन होगी। लेकिन डुप्लीकेट पैनल्स में आपके जो है अटेम्प्ट्स फेल हो जाएंगे या फिर आपको हार्ड प्रेस करना पड़ेगा, हर बार जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो आपको ये जो है आफ्टर मार्केट डिस्प्ले में ये चीज़ आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी।
आप देख सकते हो यहाँ पर जो डुप्लीकेट डिस्प्ले है वो यहाँ नीचे से स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू दे रही है, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर हमें देखने को मिल रहा है नीचे से इस डिस्प्ले में। सो ये जो चीज़ें हैं सिंपली आपको क्लियर कर दूँ, आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि इस फ़ोन में ट्रू टोन है तो ये डिस्प्ले ओरिजिनल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गाइज़ यहाँ पर ट्रू टोन वाले जो फ़ोन्स हैं वो ऑलमोस्ट आजकल जो है सभी फ़ोन्स में ट्रू टोन आने लगा है, जैसे कि आईफोन जो आफ्टर मार्केट कॉपी डिस्प्लेस हैं उनमें भी ट्रू टोन मोड कॉपी करके दे देते हैं। सो आपको बस यही ज़्यादा डिफरेंस देखने हैं, क्योंकि एक्यूरेट कलर्स एक्यूरेट ब्राइटनेस आने लगी है इन डिस्प्लेस में। सो आपको डिफरेंस सिर्फ यही देखना है कि आपके जो कलर्स हैं वो जैसे कि आपके एजेस जो हैं वो बिल्कुल राउंड होने चाहिए, और आपको जो टॉर्च का आइकन है वो 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करना चाहिए, हर बार आपकी जो है टॉर्च ऑन होनी चाहिए। सो ये जो डिफरेंसेस हैं वो आफ्टर मार्केट डिस्प्लेस वाले ने अभी तक कवर नहीं किए हैं। अगर कोई आगे चलकर ऐसा रीज़न आता है कि वो इस चीज़ में भी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता हूँ, सो मैं आपको आगे और भी नई वीडियोज़ में ये दिखाऊँगा कि अब इस डिस्प्ले को कैसे पहचाना है कि ये डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।